डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड सबसे पहले हम थ्योरी क्लास करेंगे। थ्योरी में हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिटेल में जानेंगे और उसके बाद में इससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस आए हैं उसका हम लाइव मॉक टेस्ट लेंगे और आप देखना आपने इस दौरान क्या सीखा है और कितना कुछ आपको आया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना, पहले थ्योरी देखना और उसके बाद में लाइव मॉक टेस्ट जरूर देना। नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास सेकंड। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड अलग अलग मॉडल्स के बारे में। दोस्तों, इसमें हम मुख्य रूप से कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन के बारे में बात करने वाले हैं और इसके अलावा हमारे जो भी इम्पोर्टेंट मॉडल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो दोस्तों हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो दोस्तों, इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम 2023 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है? नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी। नंबर तीन पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2022 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2022-23 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आ चुके हैं वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और डीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी। जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कोर्स की प्राइस हम बात करें तो 7,000 से 8,000 रुपए इसकी फीस बनती है, लेकिन आपसे इतना पैसा नहीं लिया जा रहा दोस्तों। आप 500 से लेकर 1,000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर कॉन ऑफ एक्सपीरियंस। एडगर डेल्स द्वारा दिया गया था ये, और इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीजें वो देखते हैं। देखिए, ये एडगर डेल द्वारा 1946 के अंदर शिक्षण में दृश्य श्रव्य विधियों पर अपनी पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत किया गया था। एडगर डेल ने दिया था 1946 के अंदर और इन्होंने अपनी पाठ्य पुस्तक में इसके बारे में बताया था, अलग अलग विधियों के बारे में बताया था कि किस तरह से बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। और इसको हम दृश्य उपकरण के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, विजुअल टूल भी इसको बोला जाता है। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर इस मॉडल में सीखने के लिए अलग अलग अनुभवों का वर्णन किया गया है कि हम सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं, किस तरह से हम सीखते हैं। इसके शीर्ष पर शाब्दिक संकेत थे, सबसे निचले भाग में प्रत्यक्ष व उद्देश्यपूर्ण विषयों को सम्मिलित किया गया था। देखिए, इसके अंदर क्या क्या स्टेप थे उन सभी के बारे में हम बात करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, इसके अंदर यहाँ पे आप पिक देख सकते हैं, इस पिक में आप देख सकते हैं कि जब बच्चा होता है तो बच्चा अगर कुछ चीज़ रीड करेगा, केवल रीड करने से वो 10% सीख पाएगा। 10% ऑफ व्हाट दे रीड, वो क्या पढ़ रहा है उससे वो 10% ही सीख पाएगा। आगे हम बात करते हैं हियरिंग, अगर वो सुन रहा है, किसी की बात सुन रहा है तो वो 20% सीख पाएगा। और अगर वो व्यू इमेज, कुछ देख रहा है, कुछ चीज़ देख रहा है, चाहे वो फोटो चाहे वो वीडियो हो, तो उससे क्या वो 30% सीख सकेगा। 50% दोस्तों अटेंड एग्जीबिट साइट्स, वॉच डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि अगर वो किसी साइट को विजिट करेगा और एग्जीबिशन वगैरह देखेगा या फिर कोई उसे डेमो दिखाएगा तो वहाँ पे वो 50% तक उसकी संभावनाएं बढ़ जाती है सीखने की। आगे हम बात करें दोस्तों 70% वो कहाँ से सीखेगा, पार्टिसिपेट इन हैंड ऑन वर्कशॉप, अगर वो वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएगा। डिजाइन कोलाबरेटिव लेसन, यानी कि उसके साथ मिल के कोई काम किया जाए, मिल के कोई वर्कशॉप किया जाए, प्रैक्टिकल वर्क किया जाए, तो वो सबसे ज़्यादा सीख पाएगा 70%। और आगे हम बात करें 90% वो कब सीख पाएगा, मॉडल ए रियल एक्सपीरियंस और डिज़ाइन परफॉर्म ए
प्रेजेंटेशन, डू द रियल थिंग, यानी कि वो क्या करेगा वर्कशॉप करने के बाद में, वो खुद उन चीज़ों को कर करके देखेगा, एक्सपीरियंस करेगा, बार बार अभ्यास करेगा। अगर कोई बच्चा अभ्यास करेगा उस उन चीज़ों जो उसने सीखा है उसको वो रियल लाइफ में उतारेगा, उसको प्रयोग करके देखेगा, तो दोस्तों वो 90% तक सीख पाएगा। तो दोस्तों ये इसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे कॉन ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर सबसे कम कब सीखा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब बच्चा रीड करता है तो सबसे कम सीखता है, और जब वो खुद रियल में उन चीज़ों को यूज़ करता है, एक्सपीरियंस करता है, तो वो सबसे ज़्यादा सीख पाता है। तो दोस्तों आप यहाँ से देख लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास बी एस ब्लूम द्वारा शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण। बी एस ब्लूम ने इसको हम बी एम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या है कि शिक्षण के उद्देश्य, सीखने के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 1956 में बनाया गया था, और इसके अंदर और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हम देखते हैं दोस्तों। इसके अंदर क्या है, टैक्सोनॉमी का मतलब है वर्गीकरण। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है दोस्तों, वर्गीकरण, कैटेगराइज करना किसी चीज़ को। अंतर ब्लूम टैक्सोनॉमी शिक्षा को सीखने के रूपों और सत्रों के वर्गीकरण का एक प्रयास है, यानी कि जो सीखने की चीज़ है उनको अच्छे तरीके से डिवाइड किया गया, कैटेगराइज किया गया है, इसलिए इसको टैक्सोनॉमी बोला जाता है। और इन्होंने मुख्य रूप से तीन भागों के अंदर शिक्षा को डिवाइड किया है। सबसे नंबर एक पे दोस्तों कॉग्निटिव डोमेन, और नंबर दो पे है अफेक्टिव डोमेन, नंबर तीन पे है साइकोमोटर डोमेन। दोस्तों ये तीनों की तीनों डोमेन हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसको आप अच्छे से देखना दोस्तों। और हम कोशिश करेंगे लाइव मॉक टेस्ट में इसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं आज तक वो हम करवाने की कोशिश करेंगे। देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी का अगर आप ये ग्राफ देखना चाहें तो आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं, और ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। इसके अंदर देखिए अगर यहाँ पे हमने इंग्लिश में लिखा हुआ है, और अब हम बात करते हैं जो हमने तीन डोमेन की बात की थी उन तीनों डोमेन के बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। नंबर एक पे आता है दोस्तों हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन, यानी कि ज्ञानात्मक क्षेत्र की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में विभाजित किया है। देखिए एक चीज़ मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि हिंदी के अंदर चेंज हो सकते वर्ड्स। ये देखिए कॉग्निटिव डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन को ये ज्ञानात्मक क्षेत्र भी कह सकते हैं हम, और संज्ञानात्मक क्षेत्र भी कह सकते हैं, दोनों के दोनों एक चीज़ है। तो इन्होंने कॉग्निटिव डोमेन को 6 भागों में डिवाइड किया है, और वे सभी 6 भाग हम देखते हैं कि कौन क्या कहता है। यह प्रणाली सरल से जटिल तथा मूर्त से अमूर्त है। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम सरल से जटिल और मूर्त से अमूर्त की तरफ चलते हैं। जो 6 पार्ट है इसके अंदर, इनके अंदर क्या है दोस्तों, नंबर एक पे है दोस्तों ज्ञान या फिर नॉलेज। इसके अंदर क्या होता है, ज्ञान में हम विशिष्टताओं का ज्ञान, शब्दावली का ज्ञान, विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान, प्रचलन तथा तारमत्य का ज्ञान, पद्धति, सार्वभौमिकता, तथ्य, यानी कि जो भी चीज़ें हमें मिल रही है, जिस चीज़ से हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है, वो चीज़ें हम करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। नॉलेज, जैसे नाम से पता चल रहा है, नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं, जितनी ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके, नॉलेज मिल सके। नंबर दो पे है दोस्तों बोध, अंडरस्टैंडिंग। नंबर दो पे क्या होता है दोस्तों, जैसे सबसे पहले तो हमने इन्फॉर्मेशन ली, नॉलेज ली, अब उसको समझने की कोशिश करते हैं, भाई ये चीज़ ऐसे है तो क्यों है, ठीक है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। नंबर तीन पे दोस्तों प्रयोग, अप्लीकेशन। इसमें क्या होता है, वास्तविक परिस्थितियों में प्रत्यय तथ्यों एवं सामान्यकरण का प्रयोग करना, यानी कि देखिए इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हमने ज्ञान लिया, नॉलेज ली, उसके बाद में नंबर दो पे उस नॉलेज को हमने समझा, नंबर तीन पे हमने उसको अप्लाई करके देखा, अप्लीकेशन में यूज़ करके देखा उसको कि किस तरह से ये यूज़ होती है या नहीं होती है। आगे हम बात करते हैं एनालिसिस, विश्लेषण, यानी कि अब हमने अप्लीकेशन में यूज़ भी कर लिया, अब उसका एनालिसिस करके देखते हैं कि क्या ये नॉलेज सही है या गलत है, किस तरह से उसका जब हमने यूज़ किया तो क्या रिजल्ट निकला उसका, यानी कि पूरा एनालिसिस करते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों नंबर 5 पे संश्लेषण। देखिए इसका मतलब क्या होता है, एक होता है विश्लेषण करना, एक होता है संश्लेषण करना। विश्लेषण के अंदर तो क्या होता है कि हम एक एक चीज़ को समझते, अच्छे से एनालिसिस करते उसको, लेकिन संश्लेषण के अंदर क्या होता है कि जो चीज़ें हमने समझी है, जो एक एक चीज़ें हमें समझ में आई है, उन सभी को इकट्ठा करके
कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने छोटी छोटी चीज़ें सीखी है, अब हम ये देखते कि उन इन छोटी चीज़ों से हम क्या नया बना सकते हैं, क्या हम नया क्रिएट कर सकते हैं, कहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। ये मतलब होता है संश्लेषण का। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। इसके अंदर देखिए नंबर 6 पे आता है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। जो भी हमने सीखा है पहले, उसको पहले हमने नॉलेज ली, फिर अंडरस्टैंड किया, फिर उसको यूज़ करके देखा, फिर अप्लीकेशन किया, फिर संश्लेषण किया, तो ये सारी चीज़ें की, तो फिर हम लास्ट में रिजल्ट निकालते हैं कि क्या ये चीज़ वास्तव में सही है या गलत है, पूरा का पूरा उसका मूल्यांकन करते हैं। तो ये चीज़ होती है दोस्तों हमारा नंबर 1 में, जो हमारी है कॉग्निटिव डोमेन है, ज्ञानात्मक क्षेत्र है इसके अंदर। और इसमें से वही मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आए हैं वो हम लाइव मॉक टेस्ट में करेंगे, आप वीडियो देख लेना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास है नंबर 2 पे भावात्मक क्षेत्र या फिर अफेक्टिव डोमेन। इसके अंदर क्या होता है ये भी हम समझते हैं। इसमें सबसे पहले आग्रहण भावात्मक, देखिए जैसे नाम से पता चल रहा है अफेक्टिव डोमेन भावात्मक, आग्रहण रिसीविंग। इसमें व्यक्ति सबसे पहले सुनने समझने की भावना रखता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आराम से व्यक्ति क्या है कि पहले सुनेगा, समझेगा अगला क्या बोल रहा है। कई बार हमने देखा है कि जो स्टूडेंट है, काफ़ी स्टूडेंट अच्छे से नहीं सुनते, वो शोर शराबा करते हैं, उनका माइंड वो कहीं और डाइवर्ट होता है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो अच्छे तरीके से सुनते समझते हैं। आगे हम बात करते हैं अनुक्रिया नंबर 2 पे रिस्पॉन्स, यानी कि उन्होंने जो सुना है, जो उन्होंने समझा है, उसके ऊपर वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, उसको रिस्पॉन्स करेंगे। और आगे हम बात करते हैं नंबर 3 पे अनुमूल्यन वैल्यूइंग, यानी कि जो उन्होंने समझा है, जो रिस्पॉन्स दिया है, वो उसमें देखेगा, व्यक्ति देखता है कि जो उसने ज्ञान पाया है वो कितना लाभदायक है और उसका जीवन में क्या महत्व है, वो उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेगा, उसको देखेगा इसको मैं कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ये वैल्यूएबल है या नहीं है। नंबर 4 पे दोस्तों हमारे पास कॉन्सेप्चुलाइजेशन, यानी कि प्रत्ययीकरण। इसका मतलब ये है दोस्तों कि बच्चे ने, देखिए पहले क्या था, सबसे पहले उसने इन्फॉर्मेशन ली, यानी कि रिसीविंग, अच्छे से समझा किसी चीज़ को, उसके बाद में उसने रिस्पोंड किया उसके ऊपर, उसके बाद में उसने वैल्यू निकाली उसकी, उसके बाद में क्या है कि वो अवधारणा बनाता है, भाई ये करने से ऐसा हो जाता है, वो एक अवधारणा विकसित कर लेता है, एक कॉन्सेप्ट बना लेता अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। आगे है गठन करना, व्यवस्था करना, वो अपने हिसाब से उन सारी चीज़ों को व्यवस्थित करता है, अपने हिसाब से उसको आगे यूज़ करता है। और आगे है चरित्र निर्माण विशेषीकरण, वो फिर अपने हिसाब से और जो उसने चीज़ें सीखी है उसी हिसाब से अपना करेक्टर बिल्डअप करता है। और इसके बाद में दोस्तों नंबर 3 पे हमारे पास क्रियात्मक क्षेत्र या साइकोमोटर डोमेन। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसको मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, मनोप्रेरक, मनोगयनात्मक नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ें थोड़ी अलग है दोस्तों, हिंदी के अंदर मैं बार बार कहता हूँ कि हिंदी के अंदर वर्ड्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, तो आप ज़्यादा कोशिश करना कि इंग्लिश में इनको याद रखें। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, उद्दीपन नंबर 1 पे, इसमें क्या होता है, इसमें किसी व्यक्ति के कौशल को देखकर अपने आप में ढालने का प्रयास किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, हम किसी व्यक्ति को देखते हैं और उसके अंदर अगर वो अच्छी चीज़ कर रहा है तो वो हम कोशिश करते हैं कि वो भी हम अपने अंदर ढालें। जैसे हमने देखा होगा कि बच्चे होते हैं, बच्चे किसी हीरो को देखते हैं, वो जिस तरह से फाइट करते हैं वैसे ही वो करने की कोशिश करते हैं और वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या हो गया, उद्दीपन हो गया। नंबर 2 पे दोस्तों कार्य करना हस्त कौशल मैनिपुलेशन, यानी किसी उपकरण या मशीन के द्वारा प्रयोग कर अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ाना। अब देखिए काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं हमने, कि मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट, बहुत से दोस्त आपने ऐसे देखे होंगे जिनके पास में कंप्यूटर की डिग्री है, कंप्यूटर का डिप्लोमा भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल वर्क की नॉलेज नहीं है। लेकिन जब तक वो प्रैक्टिकल काम नहीं करेंगे तब तक उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो यही चीज़ है दोस्तों, जब अगर हमने डिप्लोमा प्राप्त कर लिया और उसके बाद में हम कंप्यूटर पे काम करके देखेंगे, लैपटॉप पे काम करके देखेंगे, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आगे हम बात करते हैं परिशुद्धता, इसमें जब कोई व्यक्ति एक ही काम को बार बार करता है तो उसमें महानता हासिल कर लेता है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें। स्पष्ट अभिव्यक्ति, यह भी व्यक्ति के निरंतर अभ्यास पर निर्भर करती है। स्पष्ट यानी कि बहुत अच्छे तरीके से किसी चीज़ का आ जाना, स्पष्ट तरीके से आ जाना। आगे हम बात करते हैं प्रकृतिकरण, इसके अंदर नेचुरलाइजेशन,
इसमें काफ़ी तरह की बातें आती है, जैसे कि व्यक्ति अपने कौशल को अच्छे से पहचानने की कोशिश करता है, अपने काम में सुधार करता है, नई नई तकनीकों का इस्तेमाल इत्यादि करता है। तो इसके अंदर काफ़ी तरह की चीज़ें आती है दोस्तों, आप बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं। और इसके बाद में दोस्तों ये देखिए, हमने तीन तरह की साइकोमेट्रिक डोमेन की है, और ये जो सारी चीज़ें दोस्तों ये हमने इसके अंदर की है। ये देखिए, जैसे नॉलेज की हमने बात की, अंडरस्टैंडिंग की बात की, एप्लीकेशन की बात की, एनालिसिस की बात की, ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों हमने इसके अंदर ये हिंदी इंग्लिश में कर लिया। आप यहाँ से पढ़ लेना, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप दोस्तों हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, निमीजी नेट ऐप। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इसके अलावा एडरसन और करतवुल ने एक और विशेष आयाम का जिक्र किया है। वो क्या है दोस्तों, मेटाकोग्निटिव। मेटाकोग्निटिव के अंदर क्या होता है दोस्तों, इसको एडरसन ने ज्ञान का ज्ञान कह के संबोधित किया है, यानी कि हम ज्ञान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, मेटाकोग्निटिव कहेंगे, यानी कि ज्ञान को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद में आती है दोस्तों हमारे पास शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं दोस्तों। शिक्षण के मुख्य रूप से तीन स्तर माने गए हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। इन तीनों के बारे में बात करते हैं दोस्तों, और इनमें से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए वो लाइव मॉक टेस्ट में करें। देखिए, नंबर एक पे हम बात करते हैं स्मृति स्तर की बात करते हैं, मेमोरी लेवल की बात करते हैं। यह शिक्षण अधिगम का सबसे पहला चरण है, इसके बारे में सबसे पहले हार्वर्ड ने बताया था। सबसे पहला स्टेप कौन सा है दोस्तों, हमारा मेमोरी लेवल है शिक्षण के अंदर, ये याद रखना। यह स्तर किसी भी ज्ञान को अभ्यास करने और उसको कंठस्थ करने के लिए प्रेरित करता है। मूल्यांकन प्रणाली में इस स्तर पर विशेष रूप से लिखित, मौखिक और निबंध प्रश्नों को शामिल किया जाता है। ये छोटे छोटे मेन पॉइंट है दोस्तों, आप इनको देख लेना, ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। स्मृति स्तर मेमोरी लेवल के मुख्य लक्षण ये है कि इस दौरान बच्चों में कुछ भी सीखने की तीव्रता होती है, जो उसने सीखा है उसको लंबे समय तक याद रखने की कोशिश करता है, जरूरी बातों को बार बार दोहराता है। दोस्तों जैसा ही जैसा हमसे हमें नाम से पता चल रहा है, मेमोरी लेवल यानी कि उसको याद रखना, मेमोरी अपने माइंड में याद रखना, उसको बार बार दोहराना, उसको रिपीट करना, तो ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों, हमारे मेमोरी लेवल से रिलेटेड है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास है ग्रहण या अवबोधन स्तर, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल। जो हमने पढ़ा है, जो हमने याद किया है, उसको अब समझ में भी तो आना चाहिए ना। अब देखिए, एक इसका एग्जांपल देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमने छोटी क्लासों के अंदर क्या किया है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि वो किसी क्वेश्चन को रट्टा मार लेते हैं, पूरा रट्टा मारते हैं। हमने भी मारा है, आपने भी मारा होगा छोटी क्लासों के अंदर। तो उसके अंदर क्या होता है कि हम रट्टा मार लेते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल मायने में मीनिंग क्या है वो हमें पता ही नहीं होता, ठीक है। तो जो हम रट्टा मारते हैं वो क्या होगी दोस्तों, एज ए मेमोरी लेवल हो गया। लेकिन आगे वो एक बात कहते ना, रट्टा मारी हुई चीज़ ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाती हमारे दिमाग के अंदर, लेकिन अगर उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो वो बहुत लंबे समय तक हमारे माइंड में रहती है। तो दूसरा जो लेवल आता है दोस्तों, वो आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है। इस लेवल पर बच्चा प्राप्त ज्ञान को अच्छे से समझने की कोशिश करता है, इसके बारे में मॉरिसन ने बताया था। और यहाँ पे बच्चे का बौद्धिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। बच्चा किसी भी चीज़ या ज्ञान के सिद्धांत, परिभाषा, अवधारणा इत्यादि को सामान्य रूप से समझने की कोशिश करता है। और इसके अंदर क्या है, जैसे जहाज़ कैसे उड़ता है, प्रधानमंत्री कौन होता है, कैसे बनता है इत्यादि, ये चीज़ें। अब देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं कि राज्यसभा सांसद क्या होता है, ये देखिए हम नाम तो बहुत बार बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि कैसे बनते हैं, क्या इसका प्रोसीजर है, क्या है, कैसे है, ठीक है। तो ये काफ़ी कन्फ्यूज़न होते हैं और हम जानने की कोशिश भी नहीं करते, तो ये चीज़ है दोस्तों इसके अंदर। आगे इसमें यह विद्यार्थी और शिक्षक दोनों में किसी भी ज्ञान को अच्छे से आत्मसात, यानी ज्ञान को अच्छे से समझने की क्षमता विकसित करता है। देखिए, हम किसी चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे तो सीधी सी बात है, हमारा जो ज्ञान का लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। आगे हम बात करते हैं मूल्यांकन प्रणाली में विशेष रूप से छोटे प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंध प्रश्न शामिल किए जाते हैं। और इसके अंदर दोस्तों नंबर तीन पे हमारे पास विमर्श या चिंतन सत्र, रिफ्लेक्टिव लेवल। देखिए, रिफ्लेक्टिव जैसे नाम से पता चल रहा है, रिफ्लेक्ट करना किसी चीज़ को जो हमने सीखा है।
इसको शिक्षण का उच्चतम स्तर माना जाता है, इसके बारे में सबसे पहले हंट ने बताया था, ठीक है। चिंतन स्तर रिफ्लेक्टिव लेवल मुख्य रूप से स्मृति स्तर और अवबोधन स्तर पर निर्भर करता है। ये देखिए, रिफ्लेक्ट कब कर पाएगा बच्चा, जो उसने सीखा है वो दूसरे पे यूज कर कब कर पाएगा, जब सबसे पहले उसे वो चीज याद होगी, नंबर दो पे वो उसे समझ पाएगा, तभी वो किसी अगले व्यक्ति को समझा सकता है, है ना। तो ये चीज होती है रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर। इस स्तर पे शिक्षण की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस स्तर पे बच्चे की सोचने की क्षमता को विकसित किया जाता है ताकि वह अपने जीवन की समस्याओं को आसानी से सुलझा सके। मूल्यांकन प्रणाली में इस स्तर पे निबंध प्रश्नों के साथ विचार भागीदारी मनोवृत्ति को भी शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट मॉडल थे, और इसके अंदर हमने इम्पोर्टेंट मॉडल प्लस में ये किया था कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन, साइकोमेट्रिक डोमेन। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल जवाब है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भी बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे जो भी क्वेश्चन आए उन सभी क्वेश्चन को देखते हैं और आपका लाइव मॉक टेस्ट लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं खुशखबरी दे देता हूँ, अब आप फ्री में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड सभी सब्जेक्ट के फ्री में स्टडी नोट्स, लाइव मॉक टेस्ट, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। और ये सब आप कैसे ले सकते हैं मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इसके लिए दोस्तों आपको सिंपल गूगल में आना है और यहाँ पर लिखना है UGC नेट और बाद में आपका सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, जैसे इसमें हिस्ट्री, स्टडी नोट्स और लास्ट में ntaugcnet.co.in। अब हम मान के चलते हैं कि आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के लिए क्या करना है, UGCnet हिस्ट्री स्टडी नोट्स और ntaugcnet.co.in, यानी कि आपको अपना जो सब्जेक्ट है बीच में ये सब्जेक्ट चेंज करना है। UGCnet आपका सब्जेक्ट जो भी है, चाहे होम साइंस है, एजुकेशन है, कॉमर्स है, कुछ भी है, बाद में स्टडी नोट्स और फिर लास्ट में ntaugcnet.co.in। जैसे ही आप ये लिख के सर्च करेंगे तो आपको नीचे सर्च रिजल्ट आएगा, देखिए फ्री PDF UGCnet एजुकेशन स्टडी मटेरियल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री PDF UGCnet हिस्ट्री स्टडी मटेरियल। तो इस तरह से आप बिल्कुल फ्री में स्टडी नोट्स ले सकते हैं। और अगर आपको जैसे आपका सब्जेक्ट है होम साइंस, तो UGCnet होम साइंस स्टडी नोट्स ntaugcnet.co.in। इसी तरीके से आपका फिलोसफी है तो फिलोसफी लिखना है, हिंदी तो हिंदी लिखना है। अब हम बात करते हैं कि आप फ्री में ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे ले सकते हैं। इसका तरीका भी सिंपल है दोस्तों, आपको लिखना है UGCnet आपका सब्जेक्ट जैसे होम साइंस, UGCnet होम साइंस ओल्ड पेपर, और लास्ट में आपको सिर्फ एक चीज लिखनी है ntaugcnet.co.in। जब तक आप ये नहीं लिखेंगे तब तक आपके सामने रिजल्ट नहीं आएगा। और आपको कुछ भी सर्च करना है तो आपको लास्ट में एक चीज जरूर लिखनी है ntaugcnet.co.in। उसके बाद में देखिए जैसे यहाँ पे ये आ गया, ये लिंक आ गया, जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए ये यहाँ पे पेपर आ जाएंगे। ये देखिए ये पेपर, ये हमारी आंसर की है देखिए, और ये नीचे पेपर दिए हुए हैं। यहाँ से आप फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि पेपर फर्स्ट के सभी यूनिट के स्टडी नोट्स आप कैसे ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको लिखना है UGCnet टीचिंग एप्टीट्यूड 2023, लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। 2023 से आपको लेटेस्ट स्टडी नोट्स मिलेंगे, और लास्ट में आपको एक ही चीज़ लिखनी है ntaugcnet.co.in, ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड की जगह आप अपना जो टॉपिक है वो चेंज कर देना है। जैसे अगला सर्च रिजल्ट दिखाता हूँ आपको मैं, UGCnet रिसर्च एप्टीट्यूड 2023 ntaugcnet.co.in। तो चलिए दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड में इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम देखते हैं और आपका लाइव मॉक टेस्ट लेते हैं। देखते हैं आप सभी को कितना कुछ आता है, सभी को कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है, और जो भी दोस्त इसका राइट आंसर देगा उसे हम मलेशिया के टूर पर ले चलेंगे। हाँ दोस्तों, मलेशिया के टूर पर चलेंगे हम जी। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली यहाँ पे गूगल में आना है, तरीका मैंने आपको बताया, UGCnet टीचिंग एप्टीट्यूड 2023 ntaugcnet.co.in लिखना है, और नीचे हमारे सामने पोस्ट आ जाएगी। जैसे ही आप इस 2023 हिंदी में इस पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पोस्ट ओपन हो जाएगी, और आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपको ये टॉपिक मिल जाएगा।
चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं टॉपिक नंबर टू की। ये है हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, कॉन ऑफ एक्सपीरियंस और लेवल ऑफ टीचिंग से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं, इन सभी का आपको आंसर दे रहा है कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वो है निम्नलिखित में से ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है। ये हमने थ्योरी वीडियो में आपको करवाया है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नंबर एक जानना, नंबर दो समझना, नंबर तीन विश्लेषण करना या फिर मूल्यांकन करना। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। और राइट आंसर जानना है तो मैंने आपको बताया है किस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, 100 मोर पे क्लिक करके यहाँ पे आपको आंसर पता चल जाएगा। और इस वीडियो को आप रोक के अच्छे से क्वेश्चन को देखना दोस्तों, क्या राइट आंसर होगा इसका, और कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वो ये है कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है, नेगेटिव और पॉजिटिव एग्जाम्पल्स देता है, तो वो किस तरह की हमारी प्रेजेंटेशन होगी, किस तरह की टीचिंग होगी वो हमें बताना है। तो ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल होगा वो, किस तरह की टीचिंग लेवल है वो हमारा, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल या फिर रिफ्लेक्टिव लेवल, किस तरह की हमारी ये टीचिंग है ये हमें बतानी है। इस क्वेश्चन को आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं, हमने यहाँ पे आपको दे रखा है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारा क्वेश्चन है किस शिक्षण स्तर में निम्न स्तर के अधिगम परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग लोअर लेवल लर्निंग आउटकम गेट फोकस, इसका आंसर दीजिए दोस्तों क्या होगा। और ऑप्शन हमारे वही है, मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ऑटोनोमस डेवलपमेंट, क्या होगा इसका राइट आंसर। ये सारी चीजें मैंने आपको थ्योरी क्लास में करवाई हुई है। नंबर चार पे जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो है निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम स्तर का शिक्षण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग क्या है हमारी, ये है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल या फिर थिंकिंग लेवल, क्या होगा इसका राइट आंसर ये बताइए दोस्तों। और इन सभी का आंसर जो दोस्त बताएगा उसे हम मलेशिया लेके चलेंगे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, स्मृति स्थल के शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाता है, और ये कौन सा है दोस्तों, मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल में किन किन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है वो हमें बताना है। मेमोरी लेवल क्या होता है दोस्तों, याद करना, चीज़ें बताई थी ना आपको, ठीक है। तो मेमोरी लेवल में हमारा क्या क्या है वो हमें बताना है। और ये देखिए, ये मैं कहूँगा आपको यहाँ पे आप वीडियो रोक लीजिए, ठीक है। वीडियो रोक के आप ये सारे के सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए। अगर मैं सारे के सारे ऑप्शन पढ़ूँगा यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में तो काफी टाइम चला जाएगा, और इसके इनके सभी ऑप्शन पढ़ के आपको आंसर देना है जी। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं, अवोध स्तर शिक्षण में महत्वपूर्ण क्या है जी। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है हमारा, उसके अंदर क्या चीज महत्वपूर्ण है वो हमें बतानी है। तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड करना, किसी चीज को समझना। पता चला थ्योरी वाली बात, याद आई आपको मैंने जो बताई थी जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों अभी हमने केवल 4 से 5 क्वेश्चन ही किए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और भी हमारे बहुत से क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, 15 से 20 क्वेश्चन। अगर आपको वो सभी क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन करना। ये पेड कोर्स दोस्तों पेपर फर्स्ट का है, और इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मिलेगी। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी, 2012 से लेके अभी तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी इंग्लिश में दिए जाएंगे, 2012 से लेके 2023 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन आपको यूनिट वाइज अलग अलग किए हुए मिलेंगे क्वेश्चन। जैसे कि आज तक जो भी क्वेश्चन हमारे रिसर्च का है वो अलग है, टीचिंग के अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है। और इसमें दोस्तों सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग अलग मिलेंगे। सब टॉपिक वाइज का मतलब क्या है, जैसे कि हम बात करें रिसर्च के अंदर, टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ सैम्पलिंग, टाइप ऑफ हाइपोथीसिस, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। और प्लस में दोस्तों आपका लाइव मॉक टेस्ट होगा हमारी ऐप में, और वीडियोस के जरिए भी आपका लाइव मॉक टेस्ट लिया जाएगा। और किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8708321010। और इसे ज्वाइन करने के लिए दोस्तों ये वेबसाइट पे हमने जो पोस्ट बनाई है इसके नीचे आ जाना सबसे लास्ट में, वहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।
दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताना। और एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, और आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और हम आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।